हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज कमल एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट करेक्शन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन फॉर्म, काउंसलिंग फॉर्म, स्मार्ट पोर्टल। बहुत सारे बच्चों की ये क्वारीज आ रही थी यार, बहुत ही ज्यादा मतलब बच्चों की ये प्रॉब्लम्स आ रही थी कि भैया हमने जो है डीओबी सर्टिफिकेट जो है उसकी जगह कुछ और अपलोड कर दिया है, 10th की मार्कशीट की जगह कुछ गलत अपलोड हो गया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यह हो गया कि हमने कास्ट सर्टिफिकेट की जगह 10th की मार्कशीट अपलोड कर दी है, तो क्या अब हमारी कैटेगरी जनरल कंसीडर की जाएगी? हमने जो है टीओ भी गलत हो गई है और हमारा नाम भी गलत हो गया है, मम्मा का नाम हमने गलत लिख दिया उसके अंदर, एड्रेस गलत हो गया है, मोबाइल नंबर गलत हो गया है, तो भैया क्या करें, करेक्शन कैसे करें इस फॉर्म के अंदर, इसका क्या प्रोसेस रहेगा, क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा? कुछ बच्चों की यह भी क्वारी आ रही थी कि भैया हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला का, क्या हमारा फॉर्म कैंसिल हो जाएगा? तो उन सभी बच्चों को बता दूं कि यार कुछ यूनिवर्सिटीज काउंसलिंग फीस नहीं ले रही है, कुछ फीस ले रही है, जो फीस ले रही है उसको फीस देना पड़ेगा, जो नहीं ले रही है उसको नहीं देना है। जैसे केरला ने फीस नहीं ली, राजस्थान ने 1,000 रुपये वाली फीस ली है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ने 300 रुपये फीस ली है, क्योंकि पिछले बार भी 300 थी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की नॉन रिफंडेबल 1,000 फीस है, ताकि कंपटीशन को कम किया जा सके, इसलिए ये फीस वगैरह रख रहे हैं। केरला चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे बच्चे आए हमारे पास, पढ़ने वाले बच्चे आए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि भैया मार्क्स तो कम है, 1,000 रुपये भी चले जाएंगे फिर अप्लाई क्यों करें, कुछ का फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती, जो बेचारे पढ़ने के लिए लोन लेते हैं वो मतलब 1,000 रुपये खराब नहीं करना चाहते, बाई चांस अगर नहीं हुआ तो हमारे 1,000 ऐसे ही चला जाएगा, तो वो अप्लाई ही नहीं करते। इसलिए आई थिंक सबको फ्री रखना चाहिए, लेकिन ये यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि वो फ्री रखे ना रखे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब अपन बात करते हैं कि यार जिन बच्चों के फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम आ गई है उनका क्या सॉल्यूशन होगा, क्या उनका फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, क्या उनको फिर से उसको सही करने का मौका मिलेगा? जी हाँ, जिसके कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम लग रही है, मतलब बहुत ही ज़्यादा करेक्शन हो गया, तो वो डायरेक्टली मेल डाल सकता है जब तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, ठीक है? तो आपका मेल के ऊपर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा वैसे तो, कि सर हमारा ये प्रॉब्लम आ गया, हमने ये नाम गलत रख दिया है, हमारा ये डॉक्यूमेंट है, मेरा यूजर आईडी ये है, पासवर्ड नहीं सेंड करना है आपको ईमेल पे उनको, ना वो कोई रिप्लाई नहीं करते उसका, आपको जस्ट हमारा यूजर आईडी, मेल आईडी वगैरह ये भी डालना होता है, अपना पासवर्ड बिल्कुल नहीं बताना होता कभी किसी को भी, तो आपको जस्ट सिंपल मेल करना है जो भी उसका सपोर्ट टीम होता है। और अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपका करेक्शन मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, आपने गलत फॉर्म फिल कर दिया है, तो जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जैसे एटलीस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने जैसे 3 तारीख लास्ट डेट रखी है, तो एटलीस्ट 2 से 3 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, यानी कि 3 तारीख अगर लास्ट डेट है, तो मान लो 4 को तो दीपावली है, तो वो तो यूनिवर्सिटी तो वैसे बंद रहेगा, मान लो अगर 4 को या 5 को या 6 3 दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर चलता है इमेज जनवरी, ठीक है, वैसे चलेगा नहीं क्योंकि दीपावली है, तो वो 3 दिन के अंदर अगर आपके फॉर्म के अंदर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तो वो आपको या तो मेल डालेंगे या फिर वेबसाइट पे डालेंगे या फिर आपको इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट करेंगे कि स्टूडेंट आपके डॉक्यूमेंट में आपने डॉक्यूमेंट सेंड किया है, आपने कास्ट सर्टिफिकेट की जगह ये मार्कशीट अपलोड की है, तो या तो आप हमें इसके रिगार्डिंग मेल लिखकर भेजें या फिर आप वेबसाइट पे आपका पोर्टल ओपन किया जाएगा, आप वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह री अपलोड कर सकते हैं या फिर अपना जो भी करेक्शन है वो कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की पहले जो CUCT की होती थी उसके अंदर आपको जस्ट ऑप्शन दिया जाता था, इतने दिन जो भी इतने साल जो भी कंडक्ट होता था उसके अंदर भी आपको कॉन्टेक्ट किया जाता था, इंडिविजुअल ईमेल आता था, बच्चों को कॉल आता था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से स्पेशली कि आपका ये प्रॉब्लम है, आप जस्ट ये ईमेल कर दीजिए या फिर पोर्टल पे जाके अपने आप को जस्ट फिर से अपडेट कर दीजिए। तो आपको सभी को घबराने की जरूरत नहीं है यार, जस्ट जिनका भी कोई प्रॉब्लम आया है सबका सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर किसी बच्चे के साथ नाइंसाफी होती है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, अगर आपका एडमिशन कैंसिल होता है, तो आप हमको मेल कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम धरना प्रदर्शन करेंगे तुम्हारे लिए, हम कोर्ट में जाएंगे, कुछ भी करेंगे, तुम्हारा एडमिशन कैंसिल नहीं होने देंगे। ओके स्टूडेंट, तो ऐसा किसी को अगर प्रॉब्लम होता है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि तुम्हारी 1 साल खराब हो सकती है, हो सकता है तुमने ड्रॉप किया हो,
तो तुम्हारा फिर से 1 साल वो पॉसिबल नहीं है, तो आप जस्ट मेल कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है फॉर्म के अंदर तो आप यूनिवर्सिटी को मेल कर दिए जब तक रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि आपका सोल्यूशन नहीं किया जाएगा यार, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। और फॉर्म के अंदर गलती करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हो जाता है। इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट इंटरनेट इशू के कारण भी हो सकता है, आपने फॉर्म जल्दी से वहाँ पे पेमेंट हो गया हो, गलती हो गई हो, आपसे इंटरनेट इश्यू हो, कीबोर्ड प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो सकता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपली नॉर्मल सॉल्यूशन हो जाता है हमेशा। मतलब ऐसा प्रॉब्लम होती रहती है बच्चों को, तो उससे आप जस्ट घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने गलती से डॉक्यूमेंट अलग भी डिपॉजिट कर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन हो जाएगा। ओके बच्चा, थैंक यू सो मच, हैव नाइस डे। यार तुम लोगों के लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट रोज रोज वेबसाइट चेक करके बनाता हूँ यार, सब्सक्राइब तो कर लिया करो कम से कम। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, रोज रोज रात को देखते हैं, आज इतने फिर सुबह भी उतने ही मिलते हैं सब्सक्राइबर, तो क्या कर सकते हैं यार। ठीक है, थोड़ा तो बढ़ाया करो वैसे, ठीक है।